क्या आपने कभी सफेद मगरमच्छ देखा है? क्या कभी चमकने वाली बिल्ली के बारे में सुना है? ये दुनिया अनोखे चमत्कारों से भरी पड़ी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों की दुनिया और उनकी जिंदगी में भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखने पर आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब तक ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जानवर इस धरती पर पैदा हो चुके हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम नेचर के ऐसे ही 15 चमत्कारों के बारे में बात करने वाले हैं जो हजारों सालों में एक बार होते हैं और जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नंबर 15, टू हेडेड स्नेक। अगर कोई कहे कि उन्होंने दो मुंह वाला सांप देखा है तो इसे गप्पेबाजी मत समझिएगा, हो सकता है वो सच कह रहे हो। इस दुनिया में दो मुंह वाले सांप भी होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसे सांप बहुत रेयर होते हैं। देखिए तो जरा इस सांप को। जी हाँ, ये जीवित है और बिल्कुल असली है। दो मुंह वाला ये सांप बाकायदा रेंग भी सकता है, दोनों मुंह से जुबान भी निकाल सकता है और जहर भी उगल सकता है। बस इस बेचारे की एक समस्या है, इसके पास दिमाग दो है और बॉडी एक, इसलिए दोनों दिमागों में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि किधर जाए, क्या खाए, दुश्मन से कैसे बचे और शिकार पर वार कैसे करे। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये चमत्कारी सांप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। नंबर 14, टू हेडेड टर्टल। दो मुंह वाले सांपों के बाद अब बात करते हैं दो मुंह वाले कछुओं की। देखिए तो इसे, कितना प्यारा सा दिखता है ये। पहली झलक में देखने पर तो दिमाग इस पिक्चर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये क्या देख लिया, ऐसा भला कहीं हो सकता है क्या। लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई एडिटिंग नहीं बल्कि पूर्ण सत्य है। हाँ, साथ ही हम ये बात भी कहेंगे कि दो मुंह वाले कछुओं का पैदा होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कछुए दुनिया में सबसे ज्यादा सालों तक जीने वाले प्राणी होते हैं और इसलिए इनका शरीर भी बहुत बड़ा और भारी हो जाता है। मगर ये दो मुंह वाले कछुए साइज में बहुत छोटे होते हैं और वही दो दिमागों के कारण होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की कहानी इनके साथ भी घटती है। इसमें चलने फिरने, तैरने, खाना खाने और भी बहुत से सिंपल से काम करने में भी परेशानी होती है और इसीलिए इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा नहीं होता। नंबर 13, स्नेक्स विथ लेग्स। ये सुनने में भले ही असंभव लगे कि पैरों वाला सांप भी होता है, मगर ये सच है। जर्मनी के एक प्रोफेसर डेविड मॉर्टल ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर सांप का एक ऐसा फॉसिल खोजा था जिसमें सांप के चार पैर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वैसे भी साइंस ये दावा पहले भी कर चुकी है कि एक जमाने में सांप के भी पैर हुआ करते थे, इसलिए पैरों वाले सांपों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। वैसे सोच कर देखिए, सांप रेंगने के बजाय दौड़ लगाए तो कितने अजीब लगेंगे, है ना। नंबर 12, क्रूक्ड नेक जिराफ। लीजिए मिलिए जेमिना से। इसकी गर्दन देखिए जरा, ऐसा लगता है जैसे बीच में से टूट गई हो। जिराफ दुनिया के सबसे लंबे जानवरों में से एक है और इनकी गर्दन की लंबाई के मुकाबले तो कोई टेक ही नहीं पाएगा। मगर इस जेमिना की गर्दन को क्या हो गया? लगता है इसकी गर्दन अपने सर का वजन उठा नहीं पाई और बीच में से टूट गई। खैर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इनकी गर्दन की हड्डी अपने आप ही 90 डिग्री टिल्ट होकर बढ़ने लगी और इसकी वजह से ये जिराफ बहुत स्पेशल हो गई। साइंटिस्ट इसकी गर्दन की ऐसी उसका एग्जैक्ट रीजन पता नहीं कर पाए हैं। नेचर के ऐसे चमत्कार हजारों सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। नंबर 11, टू फेस्ड कैट। ये देखिए, दो चेहरों वाली बिल्ली। ऐसा बहुत रेयर होता है जब दो चेहरों वाली बिल्ली पैदा होती है। ऐसी दो चेहरों वाली बिल्ली को जेनिस कैट्स कहा जाता है। ये नाम लिया गया है रोमन गॉड जेनस से। माना जाता है कि जेनस के दो चेहरे थे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दो चेहरे होना सर्वाइवल को कठिन बना देता है और नॉर्मल से डिसीजन भी मुश्किल हो जाते हैं। इन बिल्लियों को भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। खैर, इनकी मस्ती करने में कोई कमी नहीं आती है और फ्रैंक और लॉरी नाम की इस दो चेहरों वाली बिल्ली ने तो सबको चौंका दिया था। ये करीब 15 सालों तक जीवित रही थी। नंबर 10, टू हेडेड पिग। अब जरा इसे देखिए, इस पिग की तीन आंखें, दो नाक और दो मुंह है। कितना अजीब लग रहा है ना। ऐसे चमत्कार हजारों सालों में एक ही बार होते हैं। ये प्यारा सा पिग चाइना में जन्मा है और बहुत ही जल्दी अपने गांव का हीरो बन गया है। लोग दूर दूर से इस कमाल के क्रिएचर को देखने आते हैं। इस पिग के साथ सर्वाइवल को लेकर कोई इशू नहीं है क्योंकि इसके पास एक ही दिमाग है और डिसीजंस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। ये भी सामान्य पिग्स की तरह उछलता कूदता मस्ती करता रहता है। इसका खाना पीना भी सब नॉर्मल ही होता है। नंबर 9,
एट लेग्स गोट। इस बकरी को ऑक्टो गोट कहा जाता है। लगता है ये मैडम उसेन बोल्ट से रेस जीतना चाहती थी और इन्हें किसी ने बता दिया होगा कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैरों की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने साथ 4 एक्स्ट्रा पैर ले आई। क्रोएशियन फार्म में पैदा हुई इस बकरी की सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस बकरी के पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, यानी ये बकरी मर्द भी है और औरत भी। अब बताइए, नेचर के इस चमत्कार के आगे श्रद्धा भाव से झुकने के अलावा कोई चारा बचता है क्या हमारे पास? नंबर 8, ह्यूमन फेस्ड गोट। आपने बकरी जैसे दिखने वाले लोग तो जरूर देखे होंगे, मगर क्या इंसान के जैसे चेहरे वाली बकरी देखी है कभी? जी हाँ, नेचर ये चमत्कार भी कर चुका है। ये देखिए, गुजरात के सेल्टीपाड़ा गांव में पैदा होने वाली ये बकरी बिल्कुल इंसान की तरह चेहरा लेकर पैदा हुई थी। लोगों ने इसे भगवान का अवतार समझा और पूजा करने लगे। इस बकरी का चेहरा ही इंसानों की तरह नहीं था, बल्कि इसकी पूंछ भी नहीं थी। खैर, ये बकरी केवल 10 मिनट के लिए ही जीवित रह सकी, मगर इन 10 मिनटों में ही उसने इतिहास बना दिया। नंबर 7, व्हाइट एलिगेटर। इससे ज्यादा अजीब मगरमच्छ मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब एक एलिगेटर पूरा का पूरा सफेद पैदा हुआ हो। दरअसल ऐसे मगरमच्छ की स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, जो स्किन को डार्क कलर प्रोवाइड करता है और हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। जो डार्क कलर के भद्दे से भयानक एलिगेटर्स होते हैं, वे तो अपने आप को सराउंडिंग्स और पानी में आराम से छिपा लेते हैं ताकि शिकार करने में आसानी हो, मगर इन बेचारे व्हाइट एलिगेटर्स के साथ इनका कलर धोखा कर जाता है और इसलिए जंगल में ऐसे एलिगेटर्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये ज्यादा जी नहीं पाते। हाँ, मगर जू वगैरह में ये लोगों द्वारा बिल्कुल हीरो की तरह ट्रीट किए जाते हैं। नंबर 6, वन आई गोट। अब जरा इस चमत्कारी एक नजर वाली बकरी पर नजर डालिए, इसके बारे में क्या कहेंगे। ये बकरी असम के गाँव में पैदा हुई थी, जिसके शरीर में कई सारी डिफॉर्मिटीज थी, जैसे कि इसका दिमाग दो हिस्सों में डेवलप नहीं हुआ था और इसी वजह से इसकी एक ही आंख थी और उस पर भी पलकें नहीं थी। एक अनडेवलप्ड नाक थी और अजीब सा जबड़ा। इतनी सारी कमियों के चलते ये बेचारी ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाई और केवल 8 दिनों में ही भगवान के पास वापस चली गई। मगर ये जरूर साबित कर गई कि नेचर अपने चमत्कारों से आपको कभी भी चौंका सकता है। नंबर 5, डबल मसल डॉग। वैसे तो टिबेटन मास्टिफ्स और पिटबुल जैसे ब्रीड्स के कुत्ते बहुत मस्कुलर और मजबूत होते हैं, मगर विपेट नाम की इस ब्रीड के कुत्ते का मस्कुलर होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2007 से पैदा हुई इस कुतिया का नाम वेंडी है और किसी डिफॉर्मिटी के चलते इसकी बॉडी इस तरह मस्कुलर हो गई। नॉर्मली विपेट डॉग ब्रीड्स का वजन 19 किलो के आसपास होता है, मगर इसका वजन करीब 27 किलो हो गया था और इसीलिए इसे डबल मसल डॉग कहा जाने लगा। बेचारी इतनी परेशान थी कि ठीक तरह से चल भी नहीं पाती थी, यहाँ तक कि उसे मुड़ने में भी दिक्कत होती थी। अनफॉर्चुनेटली 14 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। नंबर 4, पिंक ग्रास हॉपर। ये कीड़ा देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। गुलाबी टिड्डा। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि टिड्डे गुलाबी भी हो सकते हैं। सबसे पहले जिस टिड्डे की तस्वीर दिमाग में आती है वो घास में छुपा हुआ हरे कलर का टिड्डा होता है, मगर इसे तो देखिए, पिंक ग्रास हॉपर। वैसे ये लग तो बड़ा क्यूट रहा है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले ग्रास हॉपर पिंक ही हुआ करते थे, मगर वे शिकारियों की नजरों में आसानी से आ जाते थे, इसी वजह से धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे और अब उनका कलर हरा हो गया है। वही कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये किसी जेनेटिक डिफॉर्मिटी के चलते होता है। खैर, सच जो भी हो, देखने वालों के लिए तो ये चमत्कार ही है। नंबर 3, गोल्डन सी हॉर्स। अब इस चमकते हुए सोने के सी हॉर्स को देखिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये गोल्डन कलर का सी हॉर्स नहीं है, बल्कि ये सचमुच के सोने का बना हुआ सी हॉर्स है। रह गई ना आंखें फटी की फटी। दरअसल एक लाइट एमिटिंग जेलीफिश के जीन्स को रियल गोल्ड से मिक्स करके एक सब्सटेंस बनाया गया और उसे इन सी हॉर्सेस में इंजेक्ट कर दिया गया। ये सचमुच ही चमत्कार हो गया, ये बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे। इतना ही नहीं, इनके बच्चे भी इस तरह का गोल्डन अपीयरेंस लेकर पैदा हुए। इंसान भी सचमुच चमत्कार करने के मामले में नेचर से जरा भी पीछे नहीं है। नंबर 2, ग्लोइंग कैट। अब आपको दिखाता हूँ चमकने वाली बिल्ली। क्यों, चौंक गए ना? बिल्ली की आंखें रात में चमकती है, ये तो हम सभी जानते हैं, मगर बिल्ली की पूरी बॉडी चमकने लगे तो ये तो कोई चमत्कार ही लगेगा ना। दरअसल ये चमकने वाली बिल्लियाँ साइंटिस्ट की निगरानी में रहती है और इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे
उसके बाद से ही ये इस तरह अंधेरे में चमकने लगी। यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार ये चमत्कार नेचर का नहीं बल्कि इंसान का किया हुआ है। नंबर वन, टू लेगेड डॉग। अब ये दो पैरों वाला चमत्कार देखिए, कभी किसी कुत्ते को दो पैरों पर दौड़ते हुए देखा है? इसका नाम है डूश। इस बेचारे को किसी ने खाई में फेंक दिया था, एक आदमी ने इसे बचाया और इसका इलाज करवाया, मगर डूश ने अपनी दो टांगे हमेशा के लिए खो दी, मगर इससे उसकी जीने की उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल आम कुत्तों की तरह भागा दौड़ी करता था और खूब मस्ती करता था। इसी तरह फेथ नाम की इस कुतिया की भी केवल तीन टांगे थी, जिसमें से भी एक टांग हटानी पड़ी थी और फेथ के पास केवल दो ही टांगे बच गई थी। मगर फेथ की मालकिन ने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरे डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत के साथ इसे ट्रेनिंग दी और तैयार किया कि वह अपने पिछले पैरों पर आराम से चल सके। बाद में तो फेथ सिर्फ चलती ही नहीं थी बल्कि उछलती कूदती भी थी। फेथ ने दो पैरों के सहारे भी अपनी जिंदगी को भरपूर जिया। और भी बहुत से जानवर होते हैं जो इतने स्पेशल और यूनिक होते हैं कि लगता है ये तो हजारों सालों में एक बार पैदा होते होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।